अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था कि दूसरी आईज़ का मेकअप मैं आपको ब्रश के साथ आई कॉर्नर बनाना सिखाऊंगी। ये भी बहुत इजी है। ये देखें, इसके लिए हम ये फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप इसको ब्लैक शेड या ब्लैक लाइनर के साथ ही आप ले लें। सबसे पहले हम इसको लाइनर को लगा लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है एप्लीकेशन इजी हो जाए। तो अब हम लाइनर लगाते हैं। जो मुझे लाइनर एप्लीकेशन का पूछ रही थी वो भी ये देख लें कि लाइनर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ये भी बहुत इजी वे है, ये देखें, ठीक है। ये वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, आउटर कॉर्नर तक, ठीक है। ज़्यादा चौड़ा नहीं करना, माइनर उसमें रखिएगा, ये देखें, ठीक है। ये देख रही हैं ये एज, इसका यहाँ तक, जहाँ पर ये अल्लाह ताला ने आँख का एज बनाया वहाँ तक। अब यहीं से आप लोग इसकी शेप को उठाएंगे। पहले ब्रश को वेट कर लें और फिर आप ब्लैक आई शेड ले लें। ब्लैक आई शेड नहीं है, वैसे होना तो चाहिए एक प्रोफेशनल के लिए भी और वैसे भी। तो आप, मैं ये ब्लैक लाइनर से ही बनाने लगी हूँ क्योंकि मुझे उतना ही डार्क चाहिए। इसको यूँ मैंने इन्हेंस किया। उसके बाद ये देखें, ये जो बनाई है आपने शेप, इसी से आप यूँ लिड की तरफ ले जाएं, ठीक है। ये देखें, ये वी बन रही है, प्रोमिनेंट वी है, ठीक है। अब आपने इसको यहीं पे छोड़ दिया और जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था, इसको आपने लाइट भी किया और ब्लेंडिंग भी कर दी, ठीक है। ये आपकी ब्लेंडिंग हो गई। अब इसको आप इसके साथ जो है ब्राउन शेड के साथ थोड़ी सी इसकी ब्लेंडिंग कर लें ताकि एक जितना इन्हेंस हो जाए, और उधर से जो हमने आँख का किया है जहाँ पर ये कमी बेशी है लाइनर की, सॉरी कॉर्नर में शेड की, वो पूरी हो जाए और एकदम इतना फटा हुआ सा ना आए, ठीक है। इसी आँख पे मैं आपको अब हैंग फैंग का यूज़ भी बता दूंगी आज, ताकि आप लोगों को कोई कमी बेशी ना रहे, ठीक है। अब आपने ये देखें, इसको दोबारा यहाँ से पकड़ा और लाइन को प्रोमिनेंट कर दिया, और ये जो कॉर्नर आपका वी बना हुआ है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। ये आपका शेड जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप इसमें और ब्लेंडिंग चाह रही हैं तो इस पर कुछ भी नहीं मैंने लगाया, और ये देखें, ठीक है। ये आपने उधर से इधर शेड किया और दैट्स ऑल। आप देखें दोनों आईज जो हैं मॉडल की, वो देखें, वो बराबर आ गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मस्कारा मैंने हाफ एप्लीकेशन उस वक्त छोड़ दी थी नीचे को लगा के, अब हम उसको भी कंप्लीट करेंगे और एजेस जो हैं उनको बराबर करेंगे, यानी कि दोनों आँखों की शेप। ठीक है, अब ये अंदर से हम इसको लगा लेते हैं लाइनर को। ठीक है, अगर आप इसको मोटा लगाएंगी तो आप इसको ब्लेंड भी कर सकती हैं ब्राउन शेड के साथ। अब इसके बाद मैं आपको मस्कारा एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखें, ये जो हमने लगाया था, ये अब हमने इसको क्लाइंट को कहें कि आंखें बंद रखे और
इसको, ये फुल नीचे की तरफ को इनका जोर है आईलैशेस का। अब नीचे वाली आईलैशेस को साथ लेते हुए आपने लगाना है। कर्लर से इसको फोल्ड करें, ये देखें ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको लगता है कि कहीं डॉट शॉट आ गया है, जैसे मुझे फील हो रहा है कि मस्कारे का माइनर्स लगा है, तो आप ये हल्का सा ये रिमूव कर लें और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं इसी पे आपको ना हैंग फैंग एप्लीकेशन सिखा देती हूँ। मैं इस पे बेबी पिंक हैंग फैंग यूज़ करूँगी, ठीक है। अब आप ये देखें, हैंग फैंग लें, हैंग फैंग को आपने जब आंख को उठाया तो जो आपकी क्रीज लाइन आ रही है ना, ये यहाँ से आपने एप्लीकेशन शुरू की, कॉर्नर से ये ले आए, ये और इसको आपने प्रॉपर थ्रू आउट फुल आई पे नहीं लेके जाना। और ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहाँ आपको लगे कमी बेशी वहाँ से आप इसको बैलेंस्ड कर लें। और जो इसका फ्रंट है उस पे हम माइनर सा वाइट डॉट्स भी देंगे। इसी तरह हम इधर कर लेंगे एप्लीकेशन। इसमें देखें जो हमारी लुक्स आती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आती हैं। अब हम लोग जब इसमें कॉर्नर पे वाइट कलर का देंगे, आपके पास वाइट कलर में अगर ना हो तो ग्रेश सिल्वर हो जाता है या पर्पलिश सिल्वर हो जाता है, तो वो आप जब यूज़ करेंगे तो ये देखिएगा कि कितना इन्हेंस होगा मेकअप। और ये तकरीबन आपका कट क्रीज में चला जाएगा। मेरे पास मोव कलर में है तो मैं उसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। ये देखेंगे बिल्कुल डॉट की तरह ना, ये देखें कितना जबरदस्त जो है ना ये लुक्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और उसके आगे बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबाइए। इस तरह आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।